साउथ दिल्ली में पैदा हुई एक लड़की और बिहार के रोल्स को ऐसे ऐसे करती है, ऐसे आप निभाती हैं उसे कि लगता नहीं है कि आप नहीं जानती हैं उस जगह को। मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपसे पहले भी जिन्होंने बिहार की लड़कियों का किरदार निभाया, बिहार के लोगों का किरदार निभाया, लेकिन मुझे लगता है जितने भी लोग उस राज्य से रहने वाले हैं, और मैं अपने आप को शामिल करके इसमें बोल रही हूं, हमेशा ऐसा लगता था ना यार ओवर ड्रामेटाइज कर देते हो, हम ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हुमा ने उस चीज को तोड़ा, कैसे? आप लोगों ने महारानी देखा है क्या? एक तो बहुत, जब क्या होता है ना, आप जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो और वो स्क्रिप्ट अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग होती है, तो एज एन एक्टर आपको लगता है कि यार इस पे अब ना मैसअप नहीं कर सकते, इस पे अगर मैसअप किया तो बहुत गालियां पड़ेंगी। मेरी लाइफ में मेरा पहला मौका मुझे मिला टू प्ले अ बिहारन वाज आल्सो इन माय फर्स्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर। सो गैंग्स ऑफ वसीपुर I played a character called Mohsina and I had no idea. I had not even gone to Bihar before that. अच्छा। उसके पहले मैं बिहार गई भी नहीं थी, इनफैक्ट उसके बाद मेरा पटना काफी दफा जाना हुआ। और आई थिंक जब आप दिल्ली से होते हो ना, तो बिकॉज यू ग्रो अप इन सच अ मिशमैश ऑफ डिफरेंट नॉर्थ इंडियन साउंड्स, तो मुझे लगता है कि अरावली के ऊपर वाला कोई भी एक्सेंट मैं कर सकती हूँ बहुत ही आराम से। तो बिहारी, हरियाणवी, राजस्थानी, कोई भी खड़ी बोली। बट ये दो एक्सट्रीम है अपने, बिहारी और हरियाणवी। सर क्लासमेट ही सारे मैम वैसे थे ना, तो क्या करें, सब क्लासमेट्स। तो आप सुन के जो है यूपी के टाप, अरावली के नीचे जैसे ही गुजरात और मराठी साउंड जाती तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ। लाइक रिसेंटली आई अटेम्प्टेड अ गुजराती कैरेक्टर इन अ फिल्म कॉल्ड तरला दलाल, दैट वॉज रियली स्कैरी एंड टफ। बिहारी तो मुझे लगता है मेरे कुछ पुराने जन्म का कनेक्शन है, कभी भी कर लेंगे। जब आप कोई भाषा नहीं जानते हैं और वो किरदार निभा रहे होते हैं, एक्टर्स कहते हैं कि बहुत आप लोग, क्या उसको कहा जाता है कि एक रोल तो आपको मिलता है लेकिन उसमें आप अपना कोई ना कोई हिस्सा जरूर डालते हैं, कोई ना कोई पुट जरूर डालते हैं, जहां पर भाषा आपकी नहीं होती, और खासकर OTT जहां पर मैं कहूं कि ऐसा नहीं है कि एक शेड्यूल है और आपने एक छोटा सा किरदार निभाया है फिल्म में, और भी किरदार हैं, बहुत सब निकाल ले जाएंगे, आपने लीड किया उस रोल को। तीसरा सीजन मेरा ख्याल है महारानी का अभी। जी, तीसरा सीजन और होली से पहले आने वाला है। वाओ, अब मैंने अनाउंस कर दिया है, ये आप पहली बार यहाँ अनाउंस किया है, मतलब अब सीरीज एक सुर में ही खत्म होती है। मतलब मैं तो आपका पहला सीजन भी देखना शुरू किया तो उसके बाद फिर रात भर, अच्छा सुबह सुबह हो गई, ये होता है फिर कुछ और रातें खराब होने वाली है। नहीं तो उसमें आप अपना वो पर्सनल वो कैसे डाल पाती हैं? मतलब मुझे ना बार बार गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो याद आता है, परमिशन लेनी चाहिए थी ना। एक्चुअली ना मैं, ये डायलॉग है जो कोई कैसे भी बोल सकता था, पर एक डायलॉग अगर लोगों की जुबान पे चढ़ जाए तो उसका मतलब है हुमा ने उसमें कुछ अपना डाला। नहीं देखिए, इसका क्रेडिट तो दो लोगों को जाता है, एक का नाम है मिस्टर अनुराग कश्यप और दूसरे का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्योंकि ऑफ कोर्स अनुराग डायरेक्टेड द फिल्म, बट ये जो किस्सा है ये वाकई नवाज के साथ हुआ था रियल लाइफ में। अच्छा। कि वो किसी लड़की को डेट कर रहे थे और जब उसके ऐसे हाथ पकड़ने की कोशिश, उसे झट से डांट दिया, और हम लोग जब फिल्म की वर्कशॉप कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ये किस्सा बताया, तो हम लोग बहुत तेज तेज हंसे इस बात को सुन के कि अरे यार तुम क्या लड़की से डांट खा के आ गए। बट अनुराग से, नहीं यार इसको हम यूज करेंगे। एंड ऑनेस्टली हमने जब ये सीन किया भी तो हमको नहीं लगा कि इतना बड़ा रेज बन जाएगा, हम तो गए झट से, दो शॉट लगाए, दो टेक में ओके हो गए और हम आ गए वापस। सो और मुझे अभी भी याद है जब पार्ट वन रिलीज हुई थी तो मुझे ना, मैं बड़ी शर्मिंदा सी थी क्योंकि मुझे लगा मेरा तो बड़ा छोटा सा रोल है पार्ट वन में, पार्ट टू में अच्छा सा होता है, बट पार्ट वन में तो मेरे लिटरली दो सीन्स हैं। तो मैं दिल्ली आई और नाउ दैट यू से, अब मुझे लग रहा है, हाँ पर वैसे पता नहीं चला, लिटरली आई एम देयर इन थ्री सीन्स इन पार्ट वन हार्डली, एंड दिस इज द ओनली सीन आई हैव इन पार्ट वन। तो मुझे लगा पेरेंट्स को क्या बुलाना, ना प्रेमे वेमे पे बड़ी बेइज्जती होगी, है ना, इतना आपने पूरा बनाया कि नहीं मैं फिल्म कर रही हूँ और दो ही सीन है उसमें। तो मैं दिल्ली आई और यहाँ पे अपने पेरेंट्स को एक थिएटर में लेके गई साकेत में, और बहुत ऐसे अपोलोजेटिकली मैंने ऐसे बोला कि पापा इसमें ना दो ही सीन है, तीन सीन है, बट अगले वाले में मेरा अच्छा रोल है, हाँ तो मगर आप ये देखना ताकि आपको वो समझ आएगा।
और फिल्म खत्म हुई और जो थिएटर के मैनेजर पर हमारे पास आए, बड़े प्यार से पूछे, मैम मुझे लाइक एनीथिंग, तो मुझे लगा अरे ये तो बड़ी इज्जत मिल रही है, पहचानने लग गए. बट इट्स सो सरप्राइजिंग दैट द फर्स्ट थिंग आई एवर सेड ऑन इंडियन सिनेमा वॉज परमिशन तो लेना चाहिए. एंड टूडे कंसेंट हैज बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, यू नो. एंड एंड व्हेन आई थिंक ऑफ इट आई गेट गूस फ्लैश की यार, मतलब आप सोचते भी नहीं हो. और आप तो, हम तो बचपन में एक फिल्म कर रहे थे, बट जब आप उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखते हो तो आपको समझ आता है कि कितनी इम्पोर्टेंट बात कही जा रही थी इन अ वेरी लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग मैनर. एक चीज होती है जो हमेशा एक्टर्स के बारे में कही गई कि नो मेकअप लुक, मतलब एक्ट्रेसेस के लिए जब कहा जाता था, अरे स्मिता पाटिल, शबाना आजमी. धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम में भी होता गया, पर आपका नो मेकअप लुक इज नॉट अबाउट मेकअप. जो मतलब एज अ व्यूअर मैं फील करती हूँ, आपका नो मेकअप लुक इज अबाउट नॉट बीइंग अशेम्ड ऑफ हु यू आर. मतलब आप अपने आप को अपने किरदार में पर्दे पर दिखाती हैं, या मुझे एज अ व्यूअर लगता है कि मैं हुमा कुरैशी को ही देख रही हूं उस किरदार के थ्रू भी. ये एफर्ट है या ये नेचुरल? आई डोंट नो, आई थिंक मिक्स ऑफ बोथ. सबसे पहले तो आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ दैट आई हैड द प्रिविलेज एंड द ऑनर ऑफ वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट वी हैव. चाहे वो सुभाष कपूर हो, चाहे वो दीपा मेहता हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो श्रीराम राघवन हो, आई फील लाइक उनके साथ काम करके ना बहुत कुछ सीखा है मैंने. जैसे वो कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में उसे अप्रोच करते हैं, एंड इन सबके साथ काम करके ना मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक कॉन्फिडेंस दिया है कि तुमको मेकअप की जरूरत नहीं है सुंदर दिखने के लिए, तुम सुंदर हो. एंड आई फील लड़कियों को कहीं ना कहीं, बिकॉज वी ग्रो अप विथ सो मच एयरब्रश्ड इमेजेस एंड इंस्टाग्राम इमेजेस, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस कराया जाता है कि अगर आप एक तरीके से ना दिखो तो आप सुंदर नहीं हो, आप एक्सेप्टेबल नहीं हो. वी शेम विमेन कॉन्स्टेंटली. एंड समवेयर आई वॉज लाइक, यू नो, लाइक आई एंजॉय ड्रेसिंग अप. यस, यही चीज मैं बोलने वाली थी. फैशन, एक्सक्यूज मी, ये मत सोचना कि मेकअप हम किसी वजह से लगा रहे हैं, हमको मन कर रहा है इसलिए हम लगा रहे हैं. हमारा मन कर रहा है, मेरे को फैशन पसंद है, मुझे मेकअप पसंद है, मैं बहुत तैयार होती हूँ. आप देख लीजिए मेरा इंस्टाग्राम उठा के, बड़े आई रियली एक्सपेरिमेंट विद माई फैशन. बट आई फील व्हेन आई एम प्लेइंग कैरेक्टर्स ना, आई वॉन्ट टू ट्राई एंड प्ले ऑथेंटिक कैरेक्टर्स. आई वॉन्ट एवरी वन टू वॉच देम, यू, मी, माई मदर, योर मदर, एंड बी लाइक, अरे यार ऐसी लड़की को ना हम जानते हैं, ये शायद हमारे पड़ोस में रहती थी, या याद है वो जो हमारी एक थी वहां जो बनारस में या जबलपुर में या पटना में या कहीं पे भी, ये लड़की को हम जानते हैं. अगर आपने आई फील एज एन एक्टर वो अचीव कर लिया ना, तो फॉर मी दैट्स लाइक मैजिकल, एंड दैट इज वॉट आई एम एस्पायरिंग टू डू इन माई बॉडी ऑफ वर्क एज एन एक्टर. नहीं, सही बात है. मतलब एक गर्ल नेक्स्ट डोर हुआ करता था, पर नहीं, द गर्ल आई नो. सचमुच में मुझे आपके कैरेक्टर्स में ऐसा लगता है कि अरे ये, इसको तो मैं जानती हूं. रानी भारती, सो मेनी पीपल हैव कम टू मी सिंग, अरे यार ये, इसको तो हम जानते हैं, यू नो. इनफैक्ट मेरे को एक फोन आया किसी का, दिल्ली से ही, बोला वो हम तो जानते हैं ऐसी बहुत ऐसे महिलाओं को, पर जो एंड में उन्होंने अपने हस्बैंड को अरेस्ट करवाया ना, वो थोड़ा मेरे कहा, बट दैट्स द आइडिया ऑफ फिल्म्स, राइट, ऑफ सिनेमा, दैट समटाइम्स दे शो यू अ बेटर रियलिटी देन व्हाट यू आर यूज्ड टू सीइंग. नहीं, अच्छा, इसमें ये भी होता है, एक अपने आप को दिखाना, दूसरा कैरेक्टर्स को लेके कभी ये नहीं सोचना कि मैं इस खांचे में बन जाऊंगी या इधर. मोनिका, ओ माय डार्लिंग, मतलब फिल्म तो लाजवाब थी, लेकिन उस कैरेक्टर की शेड्स, लॉट ऑफ लव टू वासन बाला, मैड जीनियस मैन. एंड मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि यार, एंड वासन और हमारा भी पता है गैंग्स वाला कनेक्शन है. वासन, विक्की कौशल, श्लोक शर्मा, अनुभूति कश्यप, ये सारे हम लोग, अब तो बहुत सब लोग बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स वगैरह बन गए, सारे एडीज होते थे गैंग्स के सेट पे. तो वासन वॉज एन एडी दैट आई वर्कड विथ ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर, एंड तो आर कनेक्शन इज फ्रॉम देयर. तो मैं वासन को हमेशा बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर कास्टिंग मी एज मोनिका, यू नो, बिकॉज मे बी आई एम नॉट द कन्वेंशनल चॉइस टू प्ले समबडी लाइक दैट, बट हमने जो उस पर मजा किया और जो एक्सप्लोर किया, वो सिर्फ वासन के जीनियस दिमाग से ही आ सकता है. मुझे बहुत मजा आया टू प्ले लाइक एन अनअपोलोजेटिक सेक्सी, इफ आई कैन से दैट, बैड एस वुमन. नहीं नहीं, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग. अच्छा, मुझे एक और वो याद आता है, देखिए गाने में तो और भी कई किरदार उसके रहे, लेकिन एक जो ये वुमनिया, वुमनिया जो एक वर्ड रहा,
इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई। मुझे यहां पर कोई कह रही थी, किसने कहा था आपके साथ डांस करना चाह रही थी, आप शर्मा क्यों रही हो? She wants to dance on Womania. She wants to dance on Womania. Come on. गाना भी खुद से है क्या? तो हम गा भी लें क्या? ओ वो मनिया, ओ ओ वो मनिया, ओ वो मनिया, आ आ वो मनिया। पोर्ट, थैंक यू सो मच। मैंने आपने डांस नहीं किया हमारे साथ? वो तो बिना माइक के बताया मैंने। ये मैं हमेशा ये कहती थी कि जब इंडिया में इतना टैलेंट है, जो इंडियन क्रिकेट टीम में केवल 11 खिलाड़ी खेल सकते थे, लेकिन आईपीएल की शुरुआत हुई तो सबको मौका मिला और जो बेस्ट रहा उसके बाद आगे बढ़ता गया। क्या ओटीटी ऐसी ही चीज है? ओ डेफिनेटली, डेफिनेटली। आपको नहीं लगता? आई फील ओटीटी के वजह से इतने सारे नए लोग, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, टेक्निशियंस सामने आए हैं। आई डोंट थिंक अगर आप एक ट्रेडिशनल जो बोलते हैं थिएट्रिकल फिल्मों का ही मॉडल चलता तो इतने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती। और मेरा मानना यह है कि ओटीटी जो है ना, समवेयर इट्स रियली मेकिंग स्टोरी टेलिंग वेरी डेमोक्रेटिक। यू नो, आज आप एक बहुत बड़े स्टार का शो बना सकते हैं या आप किसी छोटा सा कोई शो बना सकते हैं, उनको सेम प्लेटफॉर्म मिलता है। अभी आपके ऊपर एज अ व्यूअर आप किसका शो देखते हो। सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बड़ी फिल्मों के साथ उनको ज्यादा शोज मिलते हैं। इट इज अ होल लाइक मशीनरी, जो एग्जीबिशन मशीनरी हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन मशीनरी जो फिल्मों के पीछे होती है, वो कभी कभी बहुत अनफेवरेबल हो जाती है टुवर्ड्स स्मॉलर मीडियम साइज फिल्म्स। बट एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, एवरी शो एवरी फिल्म हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। नाउ इज अप टू द मेरिट ऑफ दैट फिल्म। इजंट दैट सो ब्यूटिफुल? यू नो, बिकॉज नाउ यू आर जस्ट जजिंग थिंग्स प्योरली ऑन क्रिएटिविटी। एंड आई फील, मुझे तो लगता है कि मैं तो हर रोज या हर हफ्ते कुछ नया ऐसा देखती हूँ और एकदम चकित हो जाती हूँ कि इतना टैलेंट है हमारे देश में एंड ये एक्टर्स पहले क्यों नहीं थे। लाइक समबडी लाइक अ जयदीप अलावत, आई वर्क विथ हिम, यू नो, ऑन अ गैंग्स ऑफ वसीपुर, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ अ पाताल लोकर, अ शो लाइक दैट, ही जस्ट कम्प्लीटली पॉप्ड एंड नाउ यू नो ही इज एवरीवेयर एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी हिम शाइन। अच्छा, मैं एक और चीज बताती हूँ आपको। जैसे आपने नाम लिया, जब तक आपने पाताल लोक नहीं बोला मुझे याद नहीं आया, हम कैरेक्टर्स से याद रखने लगे हैं अब उन लोगों। बिल्कुल, हाथीराम। हाथीराम इज बिकम लाइक अ कैरेक्टर, राइट? एंड आई फील यही तो पावर होती है ना अच्छी अच्छी स्टोरीज की। एग्जैक्टली, आपका डायलॉग कोई याद रखे या फिर आपको हुमा की जगह आपके नाम, किरदार के नाम से बोले। ये मेरे साथ अभी हुआ, मैं दुबई गई थी किसी काम से, तो वहां पे ना कुछ एक वो कुछ सरकारी काम था, थोड़ा समय लग रहा था, तो वहां पे एक जो जेंटलमैन है वहां पे जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो आए अपना पूरा वैसे बद्दू का कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम जो उनका होता है, क्या बोलते हैं, तूफ बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको, तो वो आए एंड यू नो मुझे लगा मेरी किसी, वो ही वॉज बींग वेरी स्वीट एंड कर्टियस, तो मुझे लगा कोई फिल्म देखी होगी लाइक जॉली LLB2 या कोई गाना पसंद होगा, जैसे यू नो कोई भी पॉपुलर गाना जो मैंने किया हो। ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड, रानी भारती। वाओ, आई वाज लाइक, आप यहाँ बैठ के महारानी देख रहे हैं? तो यू नो आई फील लाइक आवर ऑडियंस बेस इज ऑल्सो इंक्रीज जब, एंड आई फील एज एक्टर्स टूडे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक बिहार की औरत प्ले कर सकती हूँ, मैं एक गुजराती तरला दलाल प्ले कर सकती हूँ, मैं मोनिका ओमा डार्लिंग कर सकती हूँ, मैं एक विदेश में जाके वहां की बड़ी नेटफ्लिक्स की फिल्म कर सकती हूँ वहां के बड़े डायरेक्टर के साथ, लाइक आर्मी ऑफ द डेड। एंड आई फील लाइक इजन दैट अमेजिंग टाइम फॉर कॉन्टेंट इन इंडियन फिल्म। बहुत कमाल का। मैंने एक्चुअली आई थिंक एक्टिंग एक्टिंग होती है, बट आई फील वो बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं बहुत बड़ी फैन हूँ दीज बिग टेंट पोल मूवीज की और मुझे हमेशा लगता था कैसा होगा, हाउ डू यू मेक दीज फिल्म्स, यू नो। एंड सो व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद जैक स्नाइडर, मुझे लगा ये तो करना पड़ेगा।
and you know, it was lovely. They were very sweet, very welcoming, and I think they have so much curiosity about India. Like Zach and I spoke about so many things, and he was, you'll be surprised actually, he was very aware and very interested in the Mahabharat. And my character in the film is called Geeta. तो मैंने उनको जो gift दिया है आने से पहले, so I gave him a copy of the Bhagavad Gita, and I wrote in it also, you gave me one Geeta, I'm giving you another. Beautiful, beautiful.